लोकसभा इलेक्शन 2024 जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की निकली हवा, नेकाम ने 3 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। लोकसभा इलेक्शन 2024 इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में भी मुंह की खानी पड़ी। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रदेश की 3 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, ऐसे में इंडी गठबंधन के लिए समस्या बढ़ सकती है। हालांकि कांग्रेस से बातचीत जारी है, समझौता सिर्फ जम्मू संभाग की 2 सीटों के अलावा केंद्र शासित लद्दाख प्रदेश की एकमात्र संसदीय सीट पर हो सकता है। जम्मू कश्मीर की सियासत में हड़कंप, नेकाम अकेले 3 सीट पर लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। हालांकि 2 सीटों पर कांग्रेस से बातचीत जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंगलवार को प्रदेश की 5 संसदीय सीटों में से 3 पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर जम्मू कश्मीर में INDIA के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। नेकाम के प्रांतीय प्रधान नासिर असलम वानी ने कहा है कि श्रीनगर, पुलवामा, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा और अनंतनाग राजौरी सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। समझौता सिर्फ जम्मू संभाग की 2 सीटों के अलावा केंद्र शासित लद्दाख प्रदेश की एकमात्र संसदीय सीट पर हो सकता है और उसके लिए कांग्रेस से बातचीत जारी है। नेकाम की इस घोषणा पर PDP ने भाजपा को रोकने के लिए एकता बनाए रखने की बात तो की है, लेकिन पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर उनके साथियों ने की अकेले चुनाव लड़ने का दबाव बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में 5 संसदीय क्षेत्र हैं, इनमें से 2 श्रीनगर, पुलवामा, गांदरबल और बारामूला, कुपवाड़ा कश्मीर संभाग में हैं, जबकि जम्मू रियासी और उधमपुर, डोडा, कठुआ जम्मू संभाग में हैं। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र दोनों संभाग में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ फैला हुआ है। नेकाम पहले ही दिन से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी हुई थी। मंगलवार को नेकाम अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेतृत्व में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें नेकाम उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। लगभग 3 घंटे की बैठक में नेकाम ने 3 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेते हुए अपने उम्मीदवार भी लगभग तय कर लिए हैं। बैठक में तय किया गया है कि INDIA के अन्य घटकों PDP व कांग्रेस के साथ अगर समझौता करना है तो सिर्फ जम्मू संभाग की 2 सीटों और लद्दाख की 1 सीट के लिए किया जा सकता है। इसमें भी कोशिश की जाए कि नेकाम को 1 सीट मिले। कश्मीर में कांग्रेस के लिए संभावना नहीं। राजनीतिक मामलों के जानकार बिलाल बशीर ने कहा है कि यहाँ INDIA की हालत क्या होगी यह सभी जानते हैं। नेकाम को पता है कि वह जम्मू में नहीं जीत सकती, इसलिए वह कांग्रेस के लिए वहां अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी और अन्य उतारेगी तो सिर्फ दिखाने के लिए। वर्ष 2014 और 2019 में भी नेकाम इन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी थी। कश्मीर में कांग्रेस के लिए जीत की मौजूदा परिस्थितियों में कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा PDP नेकाम दोनों परंपरागत विरोधी हैं। उधर श्रीनगर से लड़ेंगे चुनाव। नेकाम ने अपने प्रत्याशियों को अंतिम तौर पर घोषित नहीं किया है, लेकिन पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर, पुलवामा, गांदरबल संसदीय सीट से मैदान में उतारा जाएगा। उत्तरी कश्मीर में बारामूला, कुपवाड़ा संसदीय सीट पर शिया नेता आगा सैयद रुहुल्ला के अलावा पूर्व मंत्री चौधरी रमजान का नाम तय किया गया है। चौधरी रमजान जिला कुपरवाड़ा के रहने वाले हैं। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर गुज्जर नेता मियाम अल्ताफ को मैदान में उतारने जाने का निर्णय लिया गया है।